सरकार की योजनाओं को लेकर हमारे पास एक ईमानदार नेतृत्व है। गरीबों के लिए योजनाएं हैं, गरीबों के लिए बहुत काम हम सब किए हैं, वह सब लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के अंदर एक उत्साह है और मोदी योगी के प्रति एक लगन भी है। लोग मोदी योगी के प्रति खड़े भी हैं और चुनाव भी जितवाने का मन बना है। हम 300 पार करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ रहेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद पुनः गरीबों की सेवा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे बहुत फोकस है, किस तरीके की रणनीति आप लोगों की है? अच्छी चल रही, हमारा संगठन भी मजबूत है और आगे भी, और सभी लोग मन बनाए। जाति के धर्मों को तोड़कर लोग इस बार राष्ट्रवाद के लिए और विकास के नाम पर बोलते हैं। अध्यक्ष जी, आज राजनाथ सिंह क्या कहते हैं, दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लखनऊ में, उन्होंने कहा है कि योगी जी, मोदी जी महिला विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने एक ने शादी नहीं की और एक ने शादी की है तो छोड़ दिया, इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया। दिग्विजय से बात करो तो दिग्विजय जी क्या, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, दल है, एक ट्रस्ट है। सपा कोई पार्टी नहीं, एक दल है, ट्रस्ट है। एक परिवार खानदान के लोग संगठन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। कैसे जहाँ पर परिवारवाद है वहीं जातिवाद है, और जहाँ जातिवाद है वहीं भ्रष्टाचार है, वो गरीबों को सेवा ही नहीं। अखिलेश यादव क्या प्रकार।